नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के कोचिंग संस्थानों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर देना होगा इतना जुर्माना। जाने किस दिन होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा, तिथि में हुआ बदलाव। चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी में जुटी सरकार। शराबबंदी लागू करने को जीविका दीदी बनेगी मध्य निषेध प्रहरी। टीम इंडिया पर वीरेंद्र सहवाग ने ऐसे निकाला गुस्सा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नवल डॉकयार्ड ने 275 रिक्तियों के लिए रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी किया। नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम इंडियन नेवी ने विभिन्न ट्रेड में अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 275 पदों के लिए रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आवेदक को 50% अंकों के साथ मैट्रिकुलेशन पास होने के साथ ही संबंधित ट्रेड में 65% अंकों के साथ ITI पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी ही समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख 2 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https.indiannavy.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म आज के दिन ही यानी कि 9 दिसंबर 1945 को हुआ था। यह एक भारतीय फिल्म अभिनेता और राजनीतिज्ञ हैं। इन्हें 2 बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया है। पहली बार इन्हें 2009 से 2014 के लिए चुना गया था, तो वहीं दूसरी बार 2014 से 2019 के लिए चुने गए थे। इसके अलावा वह जनवरी 2003 से मई 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और अगस्त 2004 में सिपिंग के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे। बता दें कि इन्हें 2015 में 15वीं लोकसभा के लिए भी चुना गया था। वहीं 2016 में एनीथिंग बट खामो शीर्षक से उनकी जीवनी जारी की गई थी। बिहार के कोचिंग संस्थानों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर देना होगा इतना जुर्माना। वाणिज्य कर विभाग के द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है कि वैसे कोचिंग संस्थान जिनका सालाना ओवर 20 लाख से अधिक है उन्हें अब जीएसटी के तहत पंजीयन करवाना अनिवार्य हो गया है। वहीं वैसे कोचिंग संस्थान जो पंजीयन नहीं करवाते हैं उन पर विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी और साथ ही उन पर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से सर्वे और निरीक्षण प्रक्रिया चलाया जा रहा है, जिसमें पिछले महीने नवम्बर में विभाग ने कई कोचिंग संस्थानों को अपने रडार में लिया है। बता दें कि सर्वे में यह पाया गया है कि राज्य में कई ऐसे कोचिंग संस्थान है जिन्होंने लगातार 6 महीने तक मंथली रिटर्न दाखिल नहीं किया है। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में करीब 9000 कोचिंग संस्थान ऐसे ही चलाए जा रहे हैं। भाजपा के केदार गुप्ता चुने गए कुढ़नी के नए विधायक। बीते दिन गुरुवार को कुढ़नी में हुए कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता ने जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को कुल 3,632 वोटों से मात दिया। बता दें कि भाजपा के उम्मीदवार केदार गुप्ता को 76,648 वोट मिले, तो वहीं जेडीयू को 73,016 वोट मिले। वहीं इस लिस्ट में वीआईपी के प्रत्याशी निलाव कुमार 99,088 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। AIMIM उम्मीदवार मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा को 3,026 वोट मिले, जबकि 4,448 वोटर ऐसे रहे जिन्होंने नोट का बटन दबाया। बताते चले कि इस चुनाव में 23 राउंड में वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल बनाए गए थे। ये हैं बिहार के 5 खूबसूरत हिल स्टेशन। बिहार में प्रकृति का दिया सब कुछ है। मनोरम पहाड़ियां, घाटी, जंगल, वन्य जीवन, नदी, झील, झरने, इन सबको देखते हुए कहा जा सकता है कि बिहार देश के खूबसूरत क्षेत्रों में से एक है। यूं तो भारत में कई हिल स्टेशन हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र है, लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में भी आकर्षक हिल स्टेशन मौजूद है? अगर नहीं तो आज हम आपको बिहार में मौजूद ऐसे 5 हिल स्टेशन के बारे में बताएंगे। इन 5 हिल स्टेशनों की सूची में बिहार के गया जिले में स्थित ब्रह्मजुनी हिल, रामशिला हिल, गुड़पा हिल, प्रागबोधी हिल और प्रेतशिला हिल शामिल है। जाने किस दिन होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा, तिथि में हुआ बदलाव।
बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर 40,506 प्रधान से भर्ती परीक्षा की तिथि को अब बढ़ा दिया गया है। बता दें कि नए तिथि के अनुसार अब यह परीक्षा 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं पहले यह परीक्षा 18 दिसंबर को होना था, लेकिन उस दिन नगर निकाय चुनाव होने की वजह से परीक्षा को टाल दिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा को करवाने के लिए राज्य में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया समेत कुल 14 जिलों में 210 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की बात की जाए तो इसमें कुल 1.19 लाख अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं, यानी कि एक पद के औसतन 3 शिक्षक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। ट्रैफिक में तैनात पुलिस वालों के लिए मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था। गृह विभाग की ओर से राज्य में जल्द ही ट्रैफिक में तैनात पुलिस वालों के लिए मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। इसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इसके लिए गृह विभाग के अधिकारी नगर निगम के पदाधिकारियों से संपर्क कर उनसे ऐसे टॉयलेट की उपलब्धता को लेकर जानकारी मांगी है। बता दें कि सरकार के द्वारा इस पहल की शुरुआत महिला ट्रैफिक सिपाहियों की परेशानियों को देखते हुए किया जा रहा है। इसके लिए गृह विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव और एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार की मौजूदगी में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मोबाइल टॉयलेट समेत कई बातों पर निर्णय लिया गया। बता दें कि इस निर्णय में विभाग के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी महिला थानों में निर्भया फंड से दो दो वेंडिंग मशीनें भी लगाई जाएगी। चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी में जुटी सरकार। बिहार की सरकार किसानों के सुझाव से अगले 5 वर्षों के लिए चौथे कृषि रोड मैप की तैयारियों में जुटा है। बता दें कि इससे ही किसानों के विकास की नई दिशा तय की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि विभाग की ओर से चौथे कृषि रोड मैप को इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है, जिसमें भविष्य की चुनौतियों, पिछले अनुभवों, प्रगतिशील किसानों जैसे जुड़े सभी चीजें शामिल हो। बता दें कि यह रोड मैप एक तरह से किसानों के समग्र विकास का दस्तावेज होगा। राज्य में पहला कृषि रोड मैप 2007 में बनाया गया था, 2012 में दूसरा, 2017 में तीसरा रोड मैप बनाया गया। हालांकि चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी पूरी कर ली गई है और अब इस पर किसानों से इन पर सुझाव लिए जाएंगे, जिसके बाद ही इस योजना को लागू किया जाएगा। वेब सीरीज खाकी को लेकर बिहार के आईपीएस ऑफिसर अमित लोढ़ा की बड़ी मुश्किलें। बिहार के आईपीएस अमित लोढ़ा के द्वारा लिखी गई एक किताब पर नेटफ्लिक्स के द्वारा एक वेब सीरीज का निर्माण किया गया है, जिसका नाम खाकी है। बता दें कि इस वेब सीरीज की वजह से ही अमित लोढ़ा पर लोक सेवक अधिनियम का उल्लंघन और किताब लिखने से लेकर वेब सीरीज तक के लिए पुलिस मुख्यालय और सरकार से अनुमति नहीं लेने को लेकर उनके खिलाफ बीते दिन विशेष निगरानी विभाग के द्वारा कई धारा के तहत FIR दर्ज किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि यह वेब सीरीज गया के तत्कालीन महानिरीक्षक के पद पर रहते हुए इनके कैरेक्टर पर बनाया गया है। वहीं रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि अमित लोढ़ा ने फ्राइडे स्टोर टोलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और नेटफ्लिक्स से पैसों का लेन देन किया है। खान विभाग की होगी अब अपनी पुलिस। खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से कार्य योजना जारी कर इस बात की तैयारी कर ली गई है कि अब उनके पास अपनी पुलिस होगी, जो स्वतंत्र रूप से काम करेगी। बता दें कि यह पुलिस अपने खानों और बालू घाटों की सुरक्षा की जिम्मेवारी तो संभालेगी ही, साथ ही अवैध खनन और परिवहन पर भी नजर रखने का काम करेगी। हालांकि विभाग के द्वारा तैयार की गई कार्य योजना को पहले कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पास अपनी पुलिस मौजूद है। बताते चले कि इसके लिए सिपाही से लेकर दरोगा तक की बहाली की जाएगी। इनकी नियुक्ति राज्य के सभी 38 जिलों में करने की विभाग की कार्य योजना है। लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट के बाद रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कही ये बात। बीते 5 दिसंबर को सिंगापुर के एलिजाबेथ अस्पताल में राज्य सुप्रीमो लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक पूरा किया गया। फिलहाल लालू यादव और उनकी बेटी अस्पताल में ही भर्ती है। इस बीच लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर अपने और अपने पिता के स्वास्थ्य की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं अब अच्छा महसूस कर रही हूं, पापा भी ठीक है, आप सभी की दुआओं के लिए शब्द नहीं है, आप सबकी प्रार्थना काम आए, दिल की गहराइयों में आप सबके प्रति ढेर सारा प्यार और मान, आप सभी के दुआओं ने बहुत ताकत दी, मेरे पास आप सबको धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की। अभिनेता मनोज वाजपेयी की मौजूदगी में मां गीता देवी ने ली आखिरी सांस। बीते दिन बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मनोज वाजपेयी की मां गीता देवी का दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव स्थित धर्मशाला कैंसर अस्पताल में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बता दें कि गीता देवी ने अपनी अंतिम सांस अपने बेटे यानी कि मनोज वाजपेयी के सामने ली। मिली जानकारी के अनुसार मनोज वाजपेयी की मां पिछले एक हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थी। उनकी हालत में काफी सुधार भी आ गया था, पर बुधवार की रात उनकी हालत अचानक से बिगड़ गई और बीते दिन उनका देहांत हो गया। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद मनोज वाजपेयी के चाहने वाले
और सेलिब्रिटी के द्वारा उनकी मां को श्रद्धांजलि दिया गया। इसके साथ ही मनोज वाजपेयी और उनकी मां की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। शराबबंदी लागू करने को जीविका दीदी बनेंगी मद्य निषेध प्रहरी। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाया जा सके इसके लिए सरकार की ओर से कई कोशिशें की जा रही है। इन्हीं कोशिशों में अब मद्य निषेध प्रहरी की भी तैनाती की जा रही है, जो अपने इलाके में घूम घूम कर लोगों को शराबबंदी से जुड़ी बातों को बताएंगे और साथ ही इसके शराब के निर्माण की रोकथाम में सरकार का सहयोग करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में प्रहरी के रूप में जीविका दीदी की नियुक्ति 10,000 रूपए प्रति माह पर की जाएगी। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा इस योजना के पहले चरण में राज्य के जिन 9 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चालू किया जाएगा उनमें नालंदा, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल और समस्तीपुर जिला शामिल है। सूबे के 7 शहरों में लगेंगे 8 बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। ट्रीटमेंट प्लांट बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के समुचित उपचार के लिए राज्य के और 4 शहरों में कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी लगाई जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी 4 शहरों में ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया जा चुका है। हालांकि इन शहरों के ट्रीटमेंट प्लांट को आगे के वर्षों में चलाने के लिए नए सिरे से निविदा की जाएगी। बता दें कि वे 4 शहर जहां ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया जा चुका है उनमें पटना का IGIMS, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर शामिल है। वहीं जिन शहरों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे उनमें पटना समेत मधुबनी, पूर्णिया और गोपालगंज शामिल है, जिसके बाद पटना में 2 और बाकी 6 शहरों में 1-1 ट्रीटमेंट प्लांट हो जाएंगे। अब बिहार में पर्यटकों को मिलेगा एक और रोपवे। जल्दी बिहार में आने वाले पर्यटकों को एक और रोपवे मिलने वाला है। बता दें कि इस रोपवे का निर्माण बिहार के जहानाबाद जिले की ऐतिहासिक मगध का हिमालय नाम से मशहूर मखदुमपुर प्रखंड का वानावार पहाड़ पर किया जा रहा है। इस रोपवे के निर्माण की जिम्मेदारी बंगाल की कंपनी दामोदर रोपवे निर्माण लिमिटेड को बिहार राज्य पुल निगम के द्वारा सौंपी गई है। फिलहाल अभी सभी मजदूर पहाड़ के चिन्हित स्थानों पर पत्थर को तोड़कर पत्थरों में पिलिंग का काम कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस रोपवे के निर्माण के लिए अगर सरकार की ओर से सही समय पर पैसा मुहैया कराया गया तो आने वाले 18 से 24 महीनों में इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा 16 नवंबर 2016 की कैबिनेट बैठक में दी गई थी। 12 दिसंबर से आयोजित होगी सीनियर डिवीजन क्रिकेट लीग। बीते दिन गुरुवार को 2022-23 में होने वाली पटना जिला सीनियर डिवीजन क्रिकेट लीग और जूनियर डिवीजन क्रिकेट लीग की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए पटना जिला क्रिकेट संघ के तदर्थ समिति के संयोजक राजेश कुमार के द्वारा एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। बता दें कि यह लीग बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा पटना जिला में क्रिकेट की गतिविधियों को संचालित करने के लिए गठित पटना जिला क्रिकेट संघ के तदर्थ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यह इस लीग की शुरुआत 12 दिसंबर से की जाएगी। वहीं वैसे कुछ क्लब जो BCA द्वारा गठित PDCA तदर्थ समिति द्वारा वितरित फॉर्म के अनुसार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा वो इस सत्र में भाग नहीं ले सकेंगे। बिहार में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। बिहार के कई जिलों में पछुआ व उत्तर हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। हालांकि दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होने के बावजूद भी ठंड का एहसास बढ़ गया है। स्थल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 12 से 15 किलोमीटर तक तेजी से बहने वाली पछुआ और उत्तर पछुआ हवा से धूप में भी कनकनी महसूस हो रही है। वहीं हवा चलने और मौसम के शुष्क रहने से कुहासा में कमी देखा जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में आज सुबह का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो वहीं रात का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में मौसम अगले 5 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। वहीं आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। कुर्नी में JDU की हार पर बोले उपेंद्र कुशवाहा। बीते दिन कुर्नी विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट जारी कर दिया गया। वहीं इस चुनाव में BJP के उम्मीदवार केदार गुप्ता के द्वारा JDU की हार होने पर JDU संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर JDU को कुछ सीख की बातें बताई हैं। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए लिखा, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही। कुर्नी के परिणाम से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पहली सीख, जनता हमारे हिसाब से नहीं बल्कि हमें जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दें कि कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग की प्रक्रिया की गई थी। वहीं बीते दिन इसका रिजल्ट जारी किया गया। RJD ने स्वीकारी कुर्नी विधानसभा उपचुनाव की हार।
बिहार के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में अपनी हार को आरजेडी के द्वारा स्वीकार लिया गया है। बता दें कि बीते दिन रिजल्ट सामने आने के बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा कि वे कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में जो भी परिणाम आया है उसे हम स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही हमसे इस चुनाव में कहां चूक हुई इसकी हम समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन को इस बार 76,000 वोट मिले, बल्कि पिछली बार 77,000 मत प्राप्त हुए थे। वहीं बीजेपी को पिछली बार 76,000 मत मिले थे और वह आज भी 76,000 पर ही कायम है। इसके साथ ही जेडीयू को पहले जहां 77,000 मत प्राप्त हुए थे, वहीं अब हमें 74,000 मत प्राप्त हुए हैं, यानी कि 2,000 मतों में कमी आई है। इसलिए इसे नकारने का नहीं, बल्कि इस पर समीक्षा करने की जरूरत है। कुर्नी उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी का नीतीश कुमार पर हमला। बीते दिन बिहार में हो रहे कुर्नी विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें बीजेपी ने जेडीयू को लगभग 3,632 वोटों से मात दी। वहीं कुर्नी में हुए जेडीयू के हार को लेकर सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में जब मुख्यमंत्री जी केवल 2 सीटों पर जीते थे, तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो आज जो उन्हें करारी हार मिली है, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें फिर से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो जेडीयू कभी अति पिछड़ा के वोट पर दावे करती थी, वह बीजेपी के साथ है। कुर्नी में जीत पाने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने कई सभाएं की, लेकिन फिर भी उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वहीं बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने भी जेडीयू पर तंज कसते हुए कहा कि हमने कुर्नी की जनता ने अब नीतीश मुक्त बिहार की शुरुआत कर दी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब भी किसी के साथ जुड़ते हैं, उसकी हार जरूर होती है। गुजरात में बीजेपी तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हुई जीत। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस इस बार बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए सत्ता पर काबिज हुई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी 182 सीटों में से 156 सीटें जीतने में कामयाब हो गई, तो वहीं कांग्रेस महज 17 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस को 60 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी, जो कि गुजरात चुनाव में पहली बार मैदान में थी, वह 5 सीट जीतने में कामयाब रही है। वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें, तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही और 68 में से 40 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। वहीं बीजेपी 25 सीट के साथ दूसरी बड़ी पार्टी रही। इस चुनाव में बीजेपी को 19 सीटों का नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में थी, लेकिन एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई। वहीं 3 सीटों पर निर्दलीय जीतने में सफल रहे हैं। टीम इंडिया पर वीरेंद्र सहवाग ने ऐसे निकाला गुस्सा। बीते बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे वनडे इंटरनेशनल में भारत को हार मिलने के बाद टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए अपने अंदाज में टीम इंडिया पर गुस्सा निकाला। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्रिप्टो से भी तेज गिर रही है अपनी परफॉर्मेंस यार, खुद को झकझोरने की जरूरत है, जागो। बता दें कि सहवाग यह सोशल मीडिया पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2022 टीम इंडिया के लिए काफी बुरा साबित हुआ है। एक तरफ जहां भारत 2022 एशिया कप तक नहीं पहुंच पाया, तो वहीं दूसरी ओर भारत को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत में मद्रास के 13 महीनों तक चलने वाला युद्ध 1758 में आरंभ हुआ। हिज एक्सलेंसी जॉर्ज बैरिंग वॉयसराय तथा भारत के गवर्नर जनरल ने 1873 में म्योर कॉलेज की आधारशिला रखी। बेलूर मठ की 1898 में स्थापना हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई। लिबरेशन वॉर के दौरान भारतीय सेना ने 1971 में हवाई अभियान मेघना हेली ब्रिज छेड़ा था। महान कवि संत सूरदास का 1484 में जन्म हुआ। की प्रथम महिला फोटो पत्रकार होमी बैरावाला का 1913 में जन्म हुआ। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी का 1946 में जन्म हुआ। हम्बीर राव मोहिते की पुत्री ताराबाई का निधन 1761 में हुआ। भारतीय तबला वादक उस्ताद हनीफ मोहम्मद खां का निधन 2009 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक वायरल व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने 6,000 रुपए का भत्ता दे रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि यह मैसेज फर्जी है। भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही। कृपया SMS फॉरवर्ड न करें। इस साल व्हाट्सएप में आए कई दमदार फीचर्स।
व्हाट्सएप ने इस साल कई मजेदार और बेहतरीन फीचर्स पेश किए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि 2022 में मेटा ने अपने मैसेजिंग ऐप में कौन कौन से फीचर्स जोड़े हैं। व्हाट्सएप ने 29 नवंबर को अपने नए फीचर मैसेज योर सेल्फ को रोल आउट करना शुरू किया। यह फीचर आपको खुद को मैसेज भेजने की सुविधा देता है। दूसरा फीचर, व्हाट्सएप ने वैश्विक स्तर पर व्हाट्सएप कम्युनिटीज को रोल आउट किया। आप ऐसे कई ग्रुप जैसे नेबरहुड्स, पेरेंट्स एट स्कूल और वर्क प्लेसेस बना सकते हैं, जिसमें ग्रुप चैट आयोजित करने के लिए एक जगह पर कई ग्रुप्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा व्हाट्सएप ने नए प्राइवेसी फीचर्स, इमोजी रिएक्शन, एडमिन डिलीट, 2 GB तक की फाइल शेयरिंग, 32 लोगों से ज्यादा वॉइस कॉलिंग जैसे कई फीचर्स दिए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू गोलू कुमार, प्रहलाद कुमार, अनवर करीम खान, मनोज कुमार, उमेश ऋषिदेव, रघुवीर पाल, नरेश कुमार, मनोज कुमार, बाबूलाल मरांडी, भान प्रकाश मौर्य, सुशील कुमार, कविता कुमारी, विद्यासागर, केके सिन्हा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू के हारने का क्या क्या कारण है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।